ट्विन टावर में होने वाला था विस्फोट। अपार्टमेंट में बेफिक्री से सोता मिला एक शख्स। आपको बताते हैं आगे क्या हुआ। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर गिराने से पहले अच्छी तरह से चेकिंग की गई थी। टावरों को खाली कराने के लिए स्पेशल फोर्स का गठन किया गया था। टीम ने सभी टावर के अपार्टमेंट वालों को बाहर निकाल दिया था। उनके मुताबिक टावर में कोई नहीं बचा, लेकिन ठीक सुबह 7 बजे सिक्योरिटी गार्ड ने कार्यबल को कुछ ऐसी सूचना दी जिससे सभी हैरान रह गए। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि ऊपरी मंजिल में एक शख्स गहरी नींद में सो रहा है। उसके बाद इस टीम ने टावर को फिर से चेक किया। विशेष कार्यबल के सदस्य नरेश केशवानी ने बताया कि टावर खाली कराने की योजना के तहत हमने दूसरी बार अपार्टमेंट को चेक किया, उस समय ये शख्स सोता हुआ मिला। टावर खाली करने के डेडलाइन के बारे में वो शख्स भूल गया था। उन्होंने आगे बताया कि किसी तरह सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जगाया और उसे 7 बजे के आसपास टावर से बाहर लाया गया। उन्होंने आगे बताया कि हम 1 महीने से इस योजना पर काम कर रहे थे। इस योजना के तहत ही हमने अपार्टमेंट को 2 बार चेक करने की योजना बनाई थी।